अरे हम यहाँ पे जब बैठ के ना, आई एम प्रीटी श्योर आप भी यही बात कर रहे होंगे कि अगले साल जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, इट वुड हैव बीन 10 ईयर्स के इंडिया जो है कोई वर्ल्ड लेवल का कोई इंटरनेशनल कप जो है वो जीता होगा। चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ कोर्स 2013 लास्ट टाइम था जब आप इंग्लैंड में जीते थे। इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लीग्स हो रही हैं, प्लेयर्स भी इतने अच्छे नज़र आते हैं, इतना कोई रॉ टैलेंट आके भरे हुए मैदानों में परफॉर्म करता हुआ चला जाता है। But for Indian cricket, it is international tournament. It's becoming the same story. You qualify for the semi-final, you lose the semi-final. फिर आप कहते हैं जी blow का शोर मचता है और बहुत होता है जी change चाहिए. And the same players then come in. और last time तो चलें आपने विराट कोहली को scapegoat बना दिया था, क्या इस बार रोहित शर्मा को scapegoat बनाएंगे? जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 में अपनी क्रिकेट को रीसेट किया था, अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट को रीसेट किया था, do you really see that India BCCI can actually take some drastic step ke yaar in 5-6 khiladiyon ko bahar karo, make Hardik Pandya the captain of Indian T20 side at least, aur bilkul redraw karte hain T20, aisi possibility nazar aati hai isme? Do dekhiye, definitely Hardik ki next captaini to almost done hai, usi ko milni bhi chahiye, halanki KL Rahul ka bhi naam chalta hai, but KL Rahul ki apni performance dekh li to uska banta nahi hai, but I think the main factor here is ke hamara interest hi nahi raha hai world competitions mein, hum zabardasti khelne ke liye aap khele ja rahe ho aur bahut cricket khel rahe ho. मेन फोकस इज IPL. दो महीने से, इस साल हो गया 3 महीने, पैसे 50,000 करोड़ रुपया जब आ रहा है उसके अंदर, तो आप बाकी कहाँ देख रहे हो बॉस? अभी 3 महीने हो रहा है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगले 5 साल में ये 5-5, 6-6 महीने की लीग होने वाली है, उसके अंदर अभी अगर 10 से 12 टीम्स है आपके आगे, आप 20-20 टीम्स देखने वाले हो, जैसे NBA होता है ना अमेरिका में, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वो करवाते हैं अमेरिका में 30 टीम्स का, बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इंडिया ने भी वही कराना है, पूरी दुनिया आके इधर ही खेलेगी, IPL ही खेलेगी, अभी 3 महीने का हो रहा है, इस साल से शुरू हो जाएगा, 3 मंथ्स का IPL आप देखोगे तो 3 मंथ्स भी बहुत ज्यादा होता है, 3 महीना लगातार हर रोज मैच, उसके बाद आप देखोगे 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, अगले 5 साल में ये डन है नदील, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और हमने भी इस, आप ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब से IPL शुरू हुआ हमने कुछ जीता ही नहीं, आपका सारा फोकस फैंस बटे हुए हैं, फैंस को इंटरेस्ट, अब देखो विराट वाले फैंस जो है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, विराट वाले फैंस जो चाहते हैं रोहित फेल हो जाए, चाहे इंडिया के लिए खेल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, फैंस की लॉयल्टी भी, अब जो नए फैंस है, नई जनरेशन, वो IPL के साथ ही है, एंड IPL हैज बिकम सच अ बीस्ट, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसके सामने कुछ भी टिक पाए, तो पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें।